बिहार के सासाराम स्थित सिविल कोर्ट में स्टाम्प बिक्री के लिए ई टिकट प्रणाली शुरू की गई। इससे पिछले कई दिनों से चली आ रही स्टैम्प की कमी की समस्या समाप्त हो गई। एसडीजेएम राघवेंद्र नारायण सिंह ने सिविल कोर्ट में स्टैम्प की ई टिकटिंग की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ई टिकट प्रणाली शुरू हो जाने से स्टाफ की चोरी सहित फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगेगा तथा राजस्व का सुनियोजित तरीके से कलेक्शन भी हो सकेगा। अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिस कारण बाल विकास परियोजना से जुड़े कार्य ठप हैं। आज भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की महिलाओं ने सासाराम के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि सरकार मानदेय के बदले जब तक वेतनमान लागू नहीं करती है, हड़ताल जारी रहेगी। जिला के करघर प्रखंड के अकोड़ी में पिछले सप्ताह अगलगी में 6 घर जलकर राख हो गए थे। अग्नि पीड़ितों से मिलने जिला परिषद की सदस्य सीमा कुशवाहा पहुंची तथा पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री और कंबल का वितरण किया। बता दें कि अररुआ पंचायत के अकोड़ी गांव में पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार के दोपहर में आग लगने से झोपड़ी नुमा 6 घर जल गए थे, जिससे गरीबों का आशियाना बर्बाद हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार लगी है। इसी के तहत लोजपा के जिला संयोजक रविशंकर सिंह ने लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तथा पूरे जिले में हर बूथ तक संगठन विस्तार पर चर्चा किया। सासाराम के डाक बंगला मार्केट स्थित लोजपा कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला संयोजक सह जिला पार्षद रविशंकर सिंह ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीब जनता की आवाज है तथा उसे और धारदार बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के नेतृत्व में लगातार संघर्ष जारी है। जिले में शराब की बरामदगी थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन शराब का बड़ा बड़ा जखीरा बरामद हो रहा है। बीते रात रोहतास जिला के मुसफिल थाना के धौड़ाड़ में पुलिस ने छापेमारी करके 340 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया। सासाराम के एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि शराब की बोतलों को पुआल से छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब की इस बड़ी खेप को बरामद किया। एक गुप्त सूचना मिली थी कि धौड़ाड़ के पास पहाड़ के नीचे कहीं पुआल वगैरह से ढक करके शराब क्या भारी मात्रा में छिपाया गया है, और उसी आधार पर छापेमारी किया गया तो वहाँ पर 340 पेटी के आसपास शराब बरामद हुआ है। प्रत्येक पेटी में करीब 48 बॉटल है और लीटर के हिसाब से 2700 से ऊपर लीटर शराब।